Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to talk about box backend design. So let's begin. जो BBD है ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसको हम स्टैट्स में यूज़ करते हैं, जिसको दिया था जॉर्ज एपी बॉक्स और डोनाल्ड बैकेंड ने 1960 में, जिससे ही इसका नाम रखा गया है बॉक्स बैकेंड डिज़ाइन। और ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक मॉडल है नॉन लीनियर रिस्पॉन्सेज के लिए, और इसको हम यूज़ करते हैं जब फैक्टर स्पेस होती है विद इन एक्सपेरिमेंटल डोमेन। और इसमें जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होती है वो मिड पॉइंट पे होती है एजिस के और ऑफ द प्रोसेस स्पेस और एट द सेंटर। और ये रोटेबल या फिर नियरली रोटेबल होते हैं, और इसमें 3 लेवल होते हैं हर फैक्टर के। इसमें 12 मिडिल एजेस नोड्स होते हैं और 3 सेंटर नोड्स होते हैं, ताकि फिट कर सके वो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में। देन जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम देते हैं फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू 2k के माइनस 1 प्लस सी नॉट। के होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स और सी नॉट होता है नंबर ऑफ सेंट्रल पॉइंट्स। तो हम इसको ऐसे एक क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टर ए बी और सी के लिए। इसमें x1 x2 और x3 को -1, 1 और 0 से हम लोग 15 रन्स लेते हैं। और जो ये BBD होता है इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं होता, और ये ओवरकम करता है लिमिटेशंस जो कि एसोसिएटेड होती है सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन से। अब देख लेते हैं कि CCD और BBD में क्या डिफरेंस होता है। तो जो CCD होता है उसमें एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं रन करते हैं 5 लेवल्स पे, इसमें होते हैं 3 लेवल्स पे। ये कंटेन करता है फैक्टोरियल डिज़ाइन और एक्सेल पॉइंट्स, इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं होता। ये काम करता है जब फैक्टर स्पेसेस आउट यानी कि बाहर होती है, और इसमें विद इन एक्सपेरिमेंटल डोमेन होती है। ये लेस एफिशिएंट डिज़ाइन है और ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का वो होता है 2k प्लस 2k प्लस सी नॉट, और इधर होती है n इज इक्वल्स टू 2k के माइनस 1 प्लस सी नॉट। और ये होता है 3 फैक्टर्स के लिए, नंबर ऑफ रन्स होते हैं 20 और इसमें नंबर ऑफ रन्स होते हैं 15। That's all for now. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.